चलो आज हम लोग एक नया स्ट्रिंग का मेथड देख लेते हैं जिसका नाम है कंपेयर टू। ठीक है, अब समझते हैं। पहले मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है, उसको समझते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, दिस मेथड इज यूज्ड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, इट नॉट ओनली चेक्स द इक्वालिटी ऑफ स्ट्रिंग्स बट ऑल्सो चेक्स वेदर अ स्ट्रिंग इज बिगर और स्मॉलर देन द अदर स्ट्रिंग। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, द कंपेरिजन इज बेस्ड ऑन द यूनिकोड वैल्यू ऑफ ईच कैरेक्टर प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग्स। इसको याद रखना है, यूनिकोड वैल्यू, जो हम लोग ASCII वैल्यूज पढ़ते हैं वो यूनिकोड वैल्यूज ही तो होता है। तीसरा, ईच कैरेक्टर सीक्वेंस इज कंपेयर्ड लेक्सिकोग्राफिकली। इसका मतलब क्या हुआ, लेक्सिकोग्राफिकली मतलब क्या, डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर, ये सब आपको कॉपी में लिखना है। अब देखो, इफ अगर S1 ग्रेटर देन S2 हुआ तो रिजल्ट ग्रेटर देन जीरो, अगर S1 S2 के बराबर हो गया तो रिजल्ट इक्वल टू जीरो, और अगर S1 लेस देन S2 हुआ तो रिजल्ट लेस देन जीरो, और जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। याद रखना, रिजल्ट क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, या तो i माइनस हो सकता है, या तो i प्लस, या तो जीरो। जीरो कब होगा, जब S1 इक्वल टू S2, यहां पे i पॉजिटिव होता है और यहां, सॉरी, यहां पे i नेगेटिव, जब S1 छोटा होता है और यहां पे i पॉजिटिव। ठीक है, ये सारा पॉइंट्स आप लिखो, इसका बाद में एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। चलो हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। देखो, मैंने पांच स्ट्रिंग लिया है टोटल, S1 कैपिटल लेटर में कैट, S2 एक स्ट्रिंग है FOX Fox, S3 एक स्ट्रिंग है COT Cot, S4 है कैट स्मॉल लेटर में, और S5 है कैट कैपिटल में। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में काम क्या करेगा, डिक्शनरी ऑर्डर मतलब क्या होता है, अब आपको समझ आएगा। देखो, जब हम लोग पहला लाइन लिखे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस वन डॉट कंपेयर टू एस टू, देखो ये कैसे काम करेगा, आउटपुट क्या आएगा हम लोग का। देखो, सबसे पहले हम लोग यहां पे आए, हम लोग एस वन, ये एस वन क्या है, एस वन एस टू एस थ्री एस फोर एस फाइव, ये सब क्या है, रेफरेंस। रेफरेंस क्या करता है, अपना स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट का एड्रेस को स्टोर करता है, यहां पे पॉइंट कर रहा है। देखो, ये सब क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है और सबका रेफरेंस उसका एड्रेस को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे मेमोरी में बना हुआ है, ऐसे मेमोरी में बना हुआ है। अब देखो, ये जो कैप्स लॉक सी है, इसका ASCII कोड क्या है, 67। इसका देखो ASCII कोड मैंने यहां लिखा है, 97 से 122 का क्या होता है, स्मॉल ए टू जेड, और 65 से 90 का क्या होता है, कैपिटल ए टू जेड। तो ये जो 67 है, इसका ASCII वैल्यू सी का 67 और एफ का ASCII वैल्यू क्या है, 70। तो जब हम लोग एस वन डॉट कंपेयर टू एस टू कर रहे हैं, तब हम लोग को क्या मिलेगा आंसर, हम लोग एक एक करके चेक करेंगे, तो सी का ASCII वैल्यू इससे चेक हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 67 माइनस 70, रिजल्ट क्या आ गया, माइनस 3, रिजल्ट क्या आ गया, माइनस 3। तो हम लोग आउटपुट में क्या आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। देखो, इसका आउटपुट क्या आएगा, माइनस 3। ठीक है, अब क्या हम लोग आगे कंपेयर करेंगे, नहीं करेंगे। जैसे ही हम लोग को एक ऐसा लेटर मिलता है या कैरेक्टर मिलता है जो डिफरेंट होता है, तो हम लोग उसका नेट ASCII वैल्यू प्रिंट शो कर देता है, क्या, कंपेयर टू, समझ आया। अब हम लोग उसी को प्रिंट कर दिए तो हम लोग का आउटपुट मिल गया, समझ आया। अब सेकंड देखो, सेकंड में CAT कैट और COT कॉट है। अब देखो, C और C का ASCII वैल्यू क्या है, सेम, तो क्या कुछ होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो देखो, 67 माइनस 67 रिजल्ट क्या आया था, जीरो ASCII वैल्यू उसका। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, इसी को क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल। हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर के सिक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, कैरेक्टर सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पे तो हो गया, अब यहां इसका देखो, सी सी कंपेयर के जीरो आ गया। अब देखो, ए और ओ, ए और ओ, तो हम लोग इसको चेक किए क्या हुआ, तो ए और ओ को चेक किया अलग है, तो क्या आ जाएगा, फिर से नेट ASCII वैल्यू आ जाएगा। तो 65 माइनस 679 कितना होता है, आ गया माइनस 14, क्या आ गया, माइनस 14। तो हम लोग आउटपुट में क्या आ गया, माइनस 14 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्ट्रिंग वन है और स्ट्रिंग टू है, जब हम इन दोनों को कंपेयर किए तो हम लोग का आउटपुट में माइनस 314 आया, और S1 और S2 को किया माइनस 14 आया, S1 S2 को किया माइनस 3 आया। इसका मतलब स्ट्रिंग वन है वो क्या है, वो लेस देन S2, स्ट्रिंग वन इज लेस देन S2। ठीक है, स्ट्रिंग वन लेस देन S2 है, यहां पे क्या हुआ, स्ट्रिंग वन इज लेस देन S3, क्योंकि जो वैल्यू आया हम लोग का क्या आया, माइनस 14। हम लोग का ये रिजल्ट क्या देगा, माइनस 14, समझ आ रहा है। फिर देखो, अब कैट और CAT स्मॉल लेटर कैट को कंपेयर करो। देखो, तो इसका ASCII वैल्यू 67, इसका ASCII वैल्यू क्या है, 99।
तो देखो पहले में ही डिफरेंस आ गया, तो क्या आ जाएगा एस की वैल्यूज का डिफरेंस क्या आ जाएगा माइनस थर्टी टू। तो हम लोग का यहां आउटपुट क्या आ जाएगा -32। इसका मतलब एस वन इज लेस देन एस फोर। यहां से हम लोग का मतलब क्या आ गया S1 is less than S4। ठीक है, यहां पे क्या मतलब आया S1 is less than S3 ऑल्सो, यहां पे आया S1 less than S2। यहां पे देखो अब सारा सेम है CAT CAT, तो क्या आएगा इसका, इन दोनों का चेक किए तो इसका जीरो, इन दोनों का चेक किए जीरो, इन दोनों का भी चेक किए जीरो, मतलब ये दोनों स्ट्रिंग क्या है सेम। तो जब SOPLN S1.compare to S5 करेंगे तो हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या आएगा जीरो आ जाएगा, क्या जाएगा जीरो। अब तुम बोलेंगे भैया आप तो सिर्फ नेगेटिव वैल्यू दिखा रहे, पॉजिटिव वैल्यू तो दिखाई नहीं रहे, तो देखो अब हम लोग पॉजिटिव वैल्यू भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोगों ने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले लिया जिसमें बैट लिख दिया, ठीक है स्ट्रिंग S6, और system.out.println S1.compare to S6 किया, देखो क्या होगा S1 का एक रेफरेंस है जो इसको इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है, और S6 एक नया रेफरेंस बन गया जो अपना स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है। ये क्या है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, व्हाट इज दिस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, सबसे पहला लेटर कंपेयर हुआ सी और बी। ठीक है, तो C का S की वैल्यू क्या है 67 और B का S की वैल्यू क्या है 66, तो नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा 67 माइनस 66। तो नेट रिजल्ट क्या आ गया 1। तो जैसे ही system.out.println S1.compare to S6 हुआ तो हमका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रिंग 1 है वो ग्रेटर देन क्या है स्ट्रिंग 6 है। अब समझो क्या होता है, देखो इस केस में क्या आया, देखो इस केस में हम लोग का नेगेटिव आया, मतलब जब भी रिजल्ट देखो इस केस में क्या है S1 less than S2, इस केस में क्या आता है S1 less than S3, S1 less than S4, और इस केस में लोगों का क्या आता है S1 equal to S5। ठीक है, तो देखो होता क्या है, हम लोग एक एक करके सिक्वेंशियली क्या सिक्वेंशियली आगे बढ़ते हैं, एक एक करके कैरेक्टर को कंपेयर करते, देखो पहले ही कैरेक्टर डिफरेंट मिला तो हम लोग उसका नेट रिजल्ट प्रिंट कर देते हैं। तो ऐसा समझो पहला स्ट्रिंग माइनस दूसरा स्ट्रिंग, क्या याद करना है हमेशा हम लोग क्या करते हैं पहला स्ट्रिंग का ASCII वैल्यू माइनस दूसरा स्ट्रिंग का ASCII वैल्यू को माइनस करते हैं, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो पहला स्ट्रिंग अगर सेम हुआ तो कुछ नहीं करते, सेम अगर हुआ, अगर ASCII वैल्यू सेम मिल गया तो हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, याद रखना है। ठीक है, जैसे यहां पे देखो सी और एफ अलग अलग था तो नेट ASCII वैल्यू प्रिंट कर दिया, तो 67 माइनस 70 हम लोग का आउटपुट आ गया -3। वैसे यहां पे देखो सी सेम था तो हम लोग क्या किए नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़े, तो फिर देखो 65 79, तो 65 माइनस 79 क्या आ गया आउटपुट -14, तो हम लोग का -14 आ गया। ठीक है, वैसे ही देखो यहां पे सी और कैपिटल सी और स्मॉल सी 67 माइनस 99 तो क्या आ गया -32। याद रखना है लेक्सिकोग्राफिकली मतलब डिक्शनरी ऑर्डर, बट अपर केस एंड लोअर केस को हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट मानते हैं, या वो लोग का ASCII वैल्यू डिफरेंट होता है। ठीक है, याद रखना है वो लोग का ASCII वैल्यू डिफरेंट होता है, हम लोग का जो अपर केस का ASCII वैल्यूज है वो है 65 से 90 और लोअर केस का ASCII वैल्यू है वो 97 to 122, मतलब लोअर केस इज ग्रेटर देन अपर केस, याद रखना यहां मैं मिटा रहा हूं क्या, लोअर केस इज ग्रेटर देन अपर केस, ये याद रखना है लोअर केस का ASCII वैल्यू। ठीक है, ASCII लोअर केस का ASCII वैल्यू इज ग्रेटर देन अपर केस का ASCII वैल्यू। ठीक है, अब जैसे ये वाला देखना तो यहां पे हम लोग का आ गया, अब CAT या CAT तो दोनों सेम था तो हम लोग का रिजल्ट क्या आ गया जीरो, देखो हम लोग का जीरो आ गया। और लास्ट में जब S1 और S6 किए तो देखो C का ASCII वैल्यू ज्यादा था तो 67 माइनस 66 क्या आ गया हम लोग का आउटपुट 1 आ गया। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं स्ट्रिंग को चेक कर ले रहे, तो जब S1 greater than S2 रिजल्ट आया ग्रेटर देन जीरो, इंटीजर पॉजिटिव जैसे यहां पे 1 आया, जब S1 equal to S2 तो रिजल्ट क्या है जीरो, देखो जीरो आ गया, और जब S1 less than S2 हुआ तो रिजल्ट क्या रहा है नेगेटिव इंटीजर, तो देखो -3 -14 -6 सब क्या है नेगेटिव इंटीजर ही तो है। ठीक है, चलो अब हम लोग अपने प्रोग्राम का कोड को देख लेते हैं कंपेयर टू फंक्शन का। ठीक है, तो मैंने देखो 6 स्ट्रिंग लिया है, एक में S1 अपर केस कैट फॉक्स, S3 में कॉट, S4 में स्मॉल लोअर केस में कैट, S5 और S1 सेम है कैट, और S6 में बैट। ठीक है, अब हम लोग देखो कंपेयर टू यूज करते हैं, तो कंपेयर टू क्या करता है ASCII वैल्यूज को कंपेयर करता है। तो जैसे देखो S1 क्या है कैट और S2 क्या है फॉक्स, तो ASCII वैल्यू ऑफ सी माइनस ASCII वैल्यू ऑफ 5 हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको करके देख लेते हैं कंपाइल, और सारा आउटपुट अभी आ जाएगा देखना। कंपाइल किए ये देखिए हम लोग का आंसर यहां पे सारा आ गया, -3 सेकंड में माइनस हुआ, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ वाला स्ट्रिंग सेम था इसीलिए जीरो आ गया। ठीक है,
अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक और चेंजेस करता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं, हम लोग का हमेशा क्या होता है, ASCII वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग माइनस ASCII वैल्यू सेकंड स्ट्रिंग, अगर मैं यहाँ पे S2 डाल दू, यहाँ S3 डाल दू, यहाँ S4 डाल दू, यहाँ 5 डाल दू और यहाँ 6 डाल दू और ये सबको मैं 1 कर दू, तब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। पूरा आउटपुट जो जो नेगेटिव है प्लस हो जाएगा, जो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। देखो कोई कुछ बड़ा बात नहीं है, ये देखो समझ आया। तो अब क्या हो गया, फर्स्ट स्ट्रिंग माइनस सेकंड स्ट्रिंग ASCII वैल्यू, इच हर कैरेक्टर का ASCII वैल्यू माइनस होता है। तो कंपेयर टू फंक्शंस भी हम लोगों ने सीख लिया, और मैं इस वीडियो प्रोग्राम का कोड अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेंगे।